अपने दादी की बात बता रहा हूँ। तो जिस दिन बड़ा प्रोग्राम था 1 लाख का, शाम को बहुत बड़ा ग्राउंड लिया हुआ था, सारी तैयारियां, कुर्सियां, ग्राउंड 1 लाख की पब्लिक के लिए। एक दिन पहले माना सेंटर पे ही ब्राह्मणों के लिए और पब्लिक का छोटा प्रोग्राम रखा हुआ था। तो सेकंड मंजिल पे दादी बैठे थे और हम व्यवस्था में थे, हम नीचे थे। मैं साक्षी होकर देख रहा था, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन वो आ रहा है, दादी को केवल दूर से देख रहा है, उसको दादी कुछ नहीं बताए, बाबा का बच्चा नहीं है। भीड़ इतनी है, ऊपर मंजिल वो तो ये फ्लोर तो भरा हुआ है, सीढ़ियां भरी हुई और नीचे तक लाइन लगी हुई है। एक पत्रकार आ रहा है, बस मेरे को पैर छूना है, वो आ रहा है। हम साक्षी होके मैं दूर से देख रहा हूँ, सब दौड़ रहे हैं, किसी को एक दर्शन करना है दादी का, किसी को पैर छूना है, कोई कहता है मुझे दूर से दिखा दो, और कोई भी दादी को जानता नहीं। साक्षी होकर जब ये सारा खेल हम देख रहे थे, भीड़ कंट्रोल से बाहर थी, हम तो बाहर रोड पे खड़े थे, बाकी सब लोग अंदर घुसे हुए थे। तो ये संकल्प जैसे बाबा ने टच किया, हम सब बाबा के बच्चों के लिए दादियों प्रेरणा है कि दादियों ने बाबा का बनने से लेकर आज तक बाबा की एक एक श्रीमत का रिगार्ड रखा है अमृत वेले से रात तक। क्यों दादियों का इतना रिगार्ड है? क्योंकि दादियों ने बाबा की श्रीमत का अपने जीवन में इतना रिगार्ड रखा है, इसलिए दादियों का रिगार्ड है ना, समझ रहे हैं? अगर हम ब्राह्मण बच्चे भी उनके समान बनना है, उनके समान कि नहीं, जब ब्रह्मा बाप समान बनना है तो दादियां तो है ही ना हमारे सामने प्रैक्टिकल, ब्रह्मा बाबा को तो देखा नहीं। तो जितना हम बाबा की श्रीमत का अमृत वेले से रात तक, जितना हम बाबा की आज्ञाओं का रिगार्ड रखेंगे, उतना विश्व हमारा रिगार्ड करेगा।